समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की, जिन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीफ की है। डिंपल ने कहा है कि अगर उन्हें 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिला तो वो जरूर जाएंगी, निमंत्रण नहीं आया तो बाद में जाकर दर्शन करेंगी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अच्छा हो रहा है। मैं समझती हूँ कि जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है, और राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे, जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उन स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है और लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे, जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है। तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय से ही समय। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण राम लला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चरम पर है। देश दुनिया के प्रमुख लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने क्या कुछ कहा है, बड़ा बयान दिया। नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है, और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, और मैं समझती हूँ ये धार्मिक भावनाओं को भी लॉन्ग रन में, वो क्योंकि पॉलिटिक्स जब धर्म को हथियार के रूप में देखेगा तो धर्म की इज्जत भी नहीं रहती। सुरक्षा बल के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन के बीच आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी एक दूसरे से संपर्क करने के लिए वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ऑफलाइन ऐप की मदद ली जा रही है। राजौरी और पुंछ में 3 से इंटरनेट सेवा बंद होने के बाद आतंकी ऑफलाइन ऐप का इस्तेमाल कर एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। वो राजौरी और पुंछ में 3रे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद है। आतंकी आपस में बात करने के लिए वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए ऑफलाइन ऐप की मदद ले रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि मंत्रिमंडल का जल्द ही गठन होगा। प्रदेश सरकार का पूरा जोर राजस्थान के विकास पर रहेगा और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रदेश की 25 सीटों के साथ ही लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीटें जीतेगी। तो सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि आज ही होगा ऐलान, भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा जल्द की जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि शीघ्र होगा राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल गठित। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सीपी साहब, कर्णपुर दौरे से लौटे हैं आप, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है, कितनी उम्मीद है वहां से आपको? देखिए, राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, भाजपा पर विश्वास किया है। यहाँ भाजपा की सरकार बनी है और करणपुर पे भी कमल खिलेगा, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं। कांग्रेस कह रही कि सहानुभूति की लहर का फायदा उसे मिलेगा, तो आपको लगता है सहानुभूति का कार्ड उनका फेल हो जाएगा? कांग्रेस को अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी तो जनता देख रही है, इसलिए लोग विकास के साथ जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मंत्रिमंडल का गठन कब होने जा रहा है? शीघ्र ही आप लोगों को इसके लिए सूचना दी जाएगी। कितने मंत्री बनेंगे इसकी भी जानकारी बहुत जल्दी मिलेगी। फिर भी क्या लगता है किस तरह के चेहरे होंगे, किस तरह का मिश्रण देखने को मिलेगा? देखिए, सारी जानकारी आती है, निश्चित रूप से आपके साथ साझा करेंगे। क्या कल होने की संभावना लग रही है? आज ही बताएंगे इसके बारे में। आज ही बताएंगे। थैंक यू। लोकसभा के चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं, साथ में पार्टी ने कार्यक्रम हाथ में ले लिए, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह की तैयारी पूरी, 25 की 25, तीसरी बार हैट्रिक की ओर बीजेपी? देखिए, देश की जनता ने विश्वास है मोदी जी के ऊपर, उनके कालखंड के ऊपर। उन्होंने जो कल्याणकारी काम किए हैं और जो कहा है वो वादा निभाया है, तो निश्चित रूप से देश की जनता, 14 में 282 सीटें दी थी, 19 में 330 सीटें आई और अब की बार 400 पार होगी।
कैबिनेट को लेकर के जनता बहुत उत्साहित है, किस तरह का सरप्राइज देने वाले हैं? हर बार आप चौंकाते हैं, मोदी जी चौंकाते हैं, इस बार क्या चीजें नहीं देखने को मिल सकती है? देखिए, ये तो मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री मदन लाल जी और दोनों उप मुख्यमंत्री सरकार के गठन के बाद से ही एक विकसित राजस्थान, गतिशील राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान इस ध्येय को लेकर जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा है उस ओर वो बढ़ चले हैं। इस दिशा में काम हो रहा है और जल्दी ही मंत्रिमंडल के गठन के बाद और काम में तीव्रता आएगी। कल आपने श्रीगंगानगर में इंडिकेशन दिया कि आकार छोटा होगा, तो लगता क्या है? कई लोग जो हैं, कई विधायक जो अपने आप को मानते हैं कि इतना काम किया, इस बार मौका मिल जाएगा, तो उनको और ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी, आपको लगता है? ये तो आकार छोटा बड़ा आप कर देते हो, मैं तो मेरा तो यही कहना है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखने को चीजें मिली, क्या उसी तरह का फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू होगा या कुछ चीजें अलग दिखेंगी यहाँ पर? ये तो पूरा तय होने के बाद ही आपको बता पाएंगे। लेकिन ये तय माने कि कल मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, ये भी शीघ्र आपको बता देंगे। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो पत्ते नहीं खोल रहे हैं लेकिन इशारा जरूर कर रहे हैं कि जल्द मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। राजेंद्र राठौर भले ही चुनाव हार गए लेकिन भजनलाल सरकार उनके तजुर्बे का पूरा लाभ लेने की कोशिश करेगी। चर्चा है कि राजेंद्र को पार्टी भविष्य में खाली होने वाली सीटों से चुनाव लड़ा सकती है। न्यूज 18 से एक खास बातचीत में राठौर ने भजनलाल कैबिनेट में ईमानदार, अनुभवी और युवा चेहरों को मौका मिलने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी भविष्य में जिम्मेदारी देगी उसका वो निर्वहन करेंगे। बाबूलाल धायल ने 7 बार के विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर से भजनलाल कैबिनेट, खुद की भावी योजना और उनकी हार के कारणों के विस्तार से चर्चा की। बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राठौर साहब, नया मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, किस तरह का आकार होता हुआ आप देख रहे हैं? मंत्रिमंडल का आकार क्या होगा, मंत्रिमंडल का प्रकार क्या होगा, इस पर फैसला करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है, प्रेरोगेटिव है उनका। वो सही समय पर आलाकमान से बात करके सही निर्णय करेंगे और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही वो दिन भी आ जाएगा जब मंत्रिमंडल हमारे सामने होगा। मंत्रिमंडल में जुझारू लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, जिनका एक विज़न होगा वैसे लोग होंगे। अब राजस्थान निश्चित तौर पर विकास की दृष्टि से लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा है और पिछली सरकार के समय में जो हैरानी परेशानी आम आदमी की रही वो दूर होगी निश्चित तौर पर। इस प्रकार की उम्मीद राजस्थान पाले बैठा है और उसको पूरा करने का काम नई सरकार भजन जी की सरकार करेगी। गुड मिक्स देखने को मिल सकता है दोनों चीज़ों का? कैबिनेट के बारे में निर्णय और उस पर बारे में कुछ बात कहने का मुझे हक नहीं है, परंतु जिस प्रकार मोदी जी है तो हर एक चीज़ मुमकिन है। मोदी जी के मैजिक से जिस प्रकार की चीज़ें निकलती हैं, निश्चित तौर पर एक अच्छी कैबिनेट होगी जिसमें सारे वर्ग होंगे, सारे जिसमें अनुभव के साथ साथ नया जोश, नया खून भी होगा और आप देखेंगे कि राजस्थान की जनता वाह वाह कर उठेगी। तो ये थे राजेंद्र राठौर, कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। भजनलाल कैबिनेट का कल विस्तार होने की संभावना है। बीजेपी के विधायकों का जयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली बार चुनाव जीत कर आए कई विधायकों के मंत्री बनने की संभावना है। चुरू से विधायक हरलाल, सहारण और नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल ने प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। संवाददाता बाबूलाल धायल ने दोनों से बातचीत की। भजनलाल कैबिनेट का मंत्रिमंडल गठन कभी भी हो सकता है, मेरे साथ में बीजेपी के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें कितनी उम्मीद है कैबिनेट में शामिल होने की। मेरे साथ में हरलाल सारण हैं जो कि चूरू से विधायक हैं। हरलाल जी, क्या खबर है, कब मंत्री बनने जा रहे हैं? एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे के विधायक बना दिया, मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता कि मैं कैबिनेट में जा रहा हूँ। और जो फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं उनका सारी पार्टी स्वागत करती है, इसलिए कोई भी काम होगा हमारे नेतृत्व जो फैसला करे उसका हम सम्मान करेंगे। आपको क्या महसूस हो रहा है, जिस तरह से पहली बार जीता हुआ विधायक मुख्यमंत्री बन गया, ऐसे में विधायक तो सम्मान करके चल ही रहे होंगे कि हमें भी मंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, मनसा किसी कोई भी हो, मगर मैं तो मेरी चूरू की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने सामान्य कार्यकर्ता को विधानसभा भेज दिया। ये बड़ी बात है, कैबिनेट की बात मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं बड़ा सामान्य कार्यकर्ता हूँ, इसलिए कैबिनेट की बात नहीं करता।
सामान्य कार्यकर्ता हरलाल जी और पहली बार चुनाव जीत करके आए, मेरे साथ विक्रम सिंह जाखल भी हैं, नवलगढ़ से चुनाव जीते हैं। विक्रम जी, क्या खबर है? आपने कद्दावर कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा को भारी भरकम मतों से हराया है, तो आपकी जनता भी उम्मीद तो कर ही रही होगी कि विक्रम सिंह जाखल भी मंत्री बने। ये तो सच है कि भाई नवलगढ़ की सीट पे आज तक कमल का फूल खिला नहीं है और नवलगढ़ की सर्व समाज के